वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम महिंद्रा ग्रुप के बारे में देखने जा रहे हैं कि वो कितना बड़ा उनकी इंडस्ट्रीज हैं दुनिया में और कितना बड़ा ग्रुप है और कितनी उनकी प्रोडक्ट्स हैं और क्या कुछ वो दुनिया में किस मुल्क को सप्लाई करते हैं, इस बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी हमारे साथ देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक महिंद्रा ग्रुप की। दोस्तों क्या आपको पता है कि महिंद्रा ग्रुप भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और शायद ही आपको पता होगा कि महिंद्रा ग्रुप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा भी दुनिया भर में दूसरे अलग अलग बिजनेस चलते हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर एक, महिंद्रा ग्रुप फाउंडेड बाय ए पाकिस्तानी। दोस्तों क्या आपको पता है कि महिंद्रा ग्रुप एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के द्वारा फाउंड की गई थी? तो मैं आपको बता, ये क्या बात है यार, पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान बनने से पहले होगी ना शायद, ये बड़ी शॉकिंग नहीं यार? पाकिस्तान मेरे ख्याल में बन के वो देख 1955 से 1945 में मलिक गुलाम मोहम्मद, कैलाश चंद्रा महिंद्रा और जगदीश चंद्रा महिंद्रा जो कि ग्रैंडफादर है आनंद महिंद्रा के, इन तीनों के द्वारा महिंद्रा ग्रुप को पंजाब के लुधियाना में फाउंड किया गया था। तब इस कंपनी का नाम मोहम्मद एंड महिंद्रा रखा गया था। पर दोस्तों 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होने के कारण मलिक गुलाम मोहम्मद कंपनी को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने, और यहां पर कंपनी का नाम मोहम्मद एंड महिंद्रा को बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कर दिया गया। नंबर दो, महिंद्रा ट्रैक्टर पॉपुलर इन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि महिंद्रा दुनिया की लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी महिंद्रा के ट्रैक्टर काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। महिंद्रा के ट्रैक्टर ऑस्ट्रेलिया में टॉप 10 फार्म ट्रैक्टर ब्रांड्स में आते हैं जिनको वहां के फार्मर काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि महिंद्रा ट्रैक्टर्स अपने स्टेबल प्राइस टैग और इनकी ड्यूरेबिलिटी के कारण ऑस्ट्रेलियन मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इन ट्रैक्टर्स की ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलैरिटी की एक खास बात ये भी है कि महिंद्रा के ट्रैक्टर्स ने दुनिया के बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, और महिंद्रा दुनिया की इकलौती ट्रैक्टर कंपनी है जिसने डीमिंग एप्लीकेशन प्राइस एंड जैपनीज क्वालिटी मेडल जीते हैं। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों में कस्टमर्स महिंद्रा के ट्रैक्टर्स को खरीदना पसंद करते हैं। नंबर तीन, महिंद्रा SUVs पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक इंडियन कार दूसरे देशों में कितनी पॉपुलर हो सकती है, बावजूद इसके कि दुनिया में कार मैन्युफैक्चरर कंपनियों की कोई कमी नहीं है। पर जब भी हम एक इंडियन कार को दूसरे देशों में पॉपुलैरिटी गेन करते हुए देखते हैं तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। दोस्तों साल 2019 में महिंद्रा की XUV300 साउथ अफ्रीका में एक बेस्ट सेलिंग कार रही थी, और जनवरी 2021 में महिंद्रा की XUV300 साउथ अफ्रीका की पहली कार बनी थी जिसको ग्लोबल NCAP प्रोग्राम के द्वारा 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई थी। ग्लोबल NCAP एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कारों की सेफ्टी के लिए अवार्ड देती है। और दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि महिंद्रा स्कॉर्पियो फिलीपींस की सिक्योरिटी फोर्स में शामिल है। 2016 में फिलीपींस ने महिंद्रा स्कॉर्पियो की 398 यूनिट खरीदी थी, और साथ में फिलीपींस की सिक्योरिटी फोर्स में महिंद्रा इनफोर्स की 1470 यूनिट यूज की जाती है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों इसके अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियो मालदीव्स की पुलिस फोर्स में यूज की जाती है, इटली में यही कार सिक्योरिटी फोर्स में यूज की जाती है, श्रीलंका की पुलिस फोर्स में भी महिंद्रा स्कॉर्पियो को ही यूज किया जाता है। और दोस्तों महिंद्रा XUV500 साउथ अफ्रीका की पुलिस फोर्स में यूज की जाती है। तो दोस्तों हमें प्राउड फील होता है महिंद्रा की इन अचीवमेंट्स के लिए। नंबर चार, महिंद्रा एरोप्लेन। दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि महिंद्रा एरोप्लेन 1945 में और आप तो कितना कम वर्षे 2003 की जब आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा एरोस्पेस को फाउंड किया था, और साल 2009 में महिंद्रा एरोस्पेस ने ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी गिप्सलैंड एरोनॉटिक्स को खरीद लिया था जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी थी। अब इस कंपनी में महिंद्रा के सिंगल इंजन यूटिलिटी एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में पीपल ट्रांसपोर्टिंग और दूसरी सप्लाईज के लिए यूज किया जाता है। महिंद्रा के
पॉपुलर एयरक्राफ्ट का नाम है महिंद्रा एयरवैन 8 और महिंद्रा एयरवैन 10। और इसके अलावा महिंद्रा एरोस्पेस ने साल 2010 में ऑस्ट्रेलियन बोइंग यूनिट को भी खरीद लिया था जो एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 5 महिंद्रा बोट्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि महिंद्रा की एक कंपनी भारत में मॉडर्न एंड लग्जरी बोट्स बनाने का काम करती है। दोस्तों महिंद्रा की बोट्स जानी जाती है अपनी स्पीड, स्टेबिलिटी और सेफ्टी के कारण। इसलिए महिंद्रा की इन बोट्स को कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, पेट्रोलिंग एप्लीकेशंस के लिए, लग्जरी बोट्स के लिए और स्पीड बोट्स के लिए यूज किया जाता है। भारत में महिंद्रा बोट्स के कुछ खास कस्टमर्स के नाम है इंडियन नेवी जो पेट्रोलिंग के लिए महिंद्रा बोट्स का यूज करती है, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस महिंद्रा की बोट्स का यूज करती है, और उड़ीसा की इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट महिंद्रा की बोट्स का ही यूज करती है। नंबर 6 महिंद्रा डिफेंस सिस्टम। दोस्तों क्या आपको पता है कि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी अपने वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम के कारण काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो पहले हम बात कर लेते हैं महिंद्रा की डिफेंस लैंड सिस्टम इंडिया लिमिटेड की, जो भारत में नेशनल सिक्योरिटी के लिए डिफेंस लैंड व्हीकल बनाती है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा के फरीदाबाद में है, जहां पर कंपनी मिलिट्री व्हीकल और लैंड बेस्ड वेपनरी सिस्टम बनाती है। इसके साथ ही महिंद्रा डिफेंस नावल सिस्टम भारत की सिक्योरिटी के लिए हाईटेक डिफेंस रिलेटेड कंपोनेंट, सब सिस्टम एंड वेपन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों इसके अलावा महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी ड्यूटी आर्मोर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भारत के रिमोट और अर्बन लोकेशन पर आसानी से चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों महिंद्रा ग्रुप एट प्रेजेंट में दुनिया की 100 कंट्रीज में अपनी सर्विस दे रही है, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, क्लीन एनर्जी में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, कंसल्टिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, म्यूचुअल फंड्स में, पावर बैकअप में, रिटेल में, यार ये फार्मूला कार भी बनाती है। अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें महिंद्रा काम करती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ अच्छा देख कोई फील्ड इन्होंने छोड़ी है, ट्रैक्टर पावर वाली गाड़ियां जो पहाड़ी रास्तों पर चल रही थी, उसके अलावा कश्ती, एरोप्लेन, पुलिस वाली गाड़ी, फिर वो डिफेंस गाड़ी, यार इतना हम इस बारे में महिंद्रा, वैसे मैं समझता था महिंद्रा की ना वो सुजुकी टाइप की गाड़ी थी, वो मैंने सुन रखी थी, लेकिन इतना ज्यादा बिजनेस, इतना ज्यादा नहीं सुना था। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात तो ये थी ना कि ये एक पाकिस्तानी शख्स ने बनाई थी, लेकिन वो पाकिस्तानी तो नहीं था उस वक्त, तो पाकिस्तान बना नहीं था, बड़े सगीर का जो पूरा नाम, लेकिन होता है ना, हाँ, देखो ना अगर हम अब भी इकट्ठा काम करते होते तो कहाँ तक जाते हम, सही बात है हमारी, बस फिर कुछ जो होना था हो गया, हालात भी। लेकिन महिंद्रा के बारे में यार सुन के ना अच्छा लगा, मेरे ख्याल में पूरा खानदान आगे आगे शिफ्ट होती जा रही होगी ये इंडस्ट्री। यार वो तुमने देखा नहीं है कि 100 कंट्रीज बता रहा है कि 100 कंट्री, और सब बात जो तुम कह रहे मतलब कि ना अपने मुल्क के डिफेंस के लिए भी डिफेंस के लिए यूज कर रहा है। 100 कंट्री की वो बात कहता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, टॉप कंट्रीज, वो अगर किसी ब्रांड को चुन रही है, किसी ब्रांड को खास बात है तो उसको सिलेक्ट कर रही है ना, मतलब पायदारी के लिहाज से ना मान गए हैं कि ये कंपनी बहुत ज्यादा पायदार है, टिकने वाली चीज बनाती है, क्योंकि पुलिस किसी की गाड़ी इस्तेमाल कर रही है ना तो उसमें कुछ है कि वो पावरफुल होगी और पायदार होगी। यही मेरे ख्याल में से कामयाबी का राज भी कामयाबी का राज यही होगा कि कंप्रोमाइज नहीं करते होंगे ना अपने ब्रांड में। जबरदस्त है यार, आपको कैसा लगा मैं बताएं, हम तो अभी भी सरप्राइज रहे, सरप्राइज है हमारे लिए, जबरदस्त है यार। वैसे बताता चलूं कि इंडियन बिजनेस मैन ऐसे ही दुनिया में अपना मकाम नहीं बनाया हुआ, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, जबरदस्त है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने ख्यालात। बाय बाय।